वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं आपकी दोस्त शिप्रा, और भी खाना खा रही हूँ आज, पूरे 2 दिन बाद खाना खा रही हूँ। खाना खाते ही ना इतना बुरा हाल हो जाता था, शक्ल देखो कैसी हो गई। कुछ दोस्तों का कमेंट भी आ रहा था कि आप अपना ध्यान रखो। ध्यान रखती हूँ दोस्तों मैं, आप देखते ही तो हो, लेकिन क्या करें, तबीयत गड़बड़ हो जाती है। कल मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि हस्बैंड भी सर पकड़ के बैठ गए और बच्चे भी मेरे दोनों रोने लग गए। पता नहीं कौन सी मुसीबत आ गई हम दोनों हस्बैंड वाइफ की लाइफ में ना। और रोटी खा रही हूँ जबरदस्ती, हस्बैंड इधर बैठे हैं, उनकी प्लेट रखी है, वो किचन में से कुछ लेने गए हैं, और मैं बेड पे ही हूँ, परसों से बिल्कुल मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा। और ये इधर, और उन्होंने कहा तुम खाओ, थोड़ा सा खा के देखो। तो इंजेक्शन वगैरह लिए थे कल मैंने, लेकिन ये बात है कि अगर मेरी इस तरह से तबीयत खराब हो जाती है तो मुझे वीकनेस बहुत हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हम एप्पल खा लो अपना, ठीक है? अभी बहुत देर से दे रखा है। इधर हस्बैंड अपने काम पे गए हैं। आई होप सभी अच्छे होंगे आप लोग। मैं तो यार अच्छी नहीं हूँ, मैं कहने लगूँ मैं अच्छी हूँ, मेरी तबीयत तो ऐसी ही चल रही है। और सासू माँ आई थी कल, अभी वो चली गई हैं। अभी मैंने सबसे उनको एप्पल दे रखा है। तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, मुझे था वो रुक जाएंगी तो मुझे थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, बट चली गई, कोई बात नहीं, जाएगा फिर आ जाएंगे। अब श्रीजा भी स्कूल गई है, श्रीजा का मॉर्निंग में स्कूल है आज। आज सैटरडे है, कल संडे है, और अभी मैं सोची हूँ कि जाऊँ डॉक्टर के पास कुछ टेस्ट वगैरह, जो आपसे कई दिन से कह रही हूँ। ये होता है हम लेडीज़ का, ये रियलिटी है, मतलब हम दूसरों के लिए तो बहुत ज़्यादा टक्चर का टीवी चल रहा है, अंदर बैठ के बात करती हूँ। जब फैमिली में किसी और को प्रॉब्लम होती है ना, तो हम उनके लिए तो स्टैंड जल्दी ले लेते हैं, लेकिन हमारे लिए लेने में सबको बहुत टाइम लगता है। हाँ, अगर कम करोगे तो मैं यहीं बैठूंगी, नहीं तो मैं अंदर बैठूंगी। मुझे आवाज़ ज़ोर से नहीं बोला जा रहा, देखो मेरा चेहरा भी कैसा हो जाता है यार, खाना नहीं बिल्कुल ठीक से खाया जाता। और मॉर्निंग में जल्दी चली गई थी सासू माँ, उनको कहीं पे जाना था कुछ, और फिर वो आके वहाँ से चली गई। मैंने बोला था रुक जाओ, खुशी भी नहीं है। खुशी नानी के यहाँ गई हुई है, क्योंकि नानी के यहाँ प्रोग्राम है मेरे भाई के बेटे का, कल मुंडन था। मुंडन यानी कि जो बाल उतरते हैं ना बच्चे के, हरिद्वार में उतरते हैं हमारे यहाँ, तो वो था। और हो सका तो उसकी एक आध क्लिप मैं आपके लिए लगा दूंगी, आपको अच्छा लगेगा, मेरी मम्मी भी दिख जाएंगी आपको। अभी मम्मी से भी बात हुई मेरी, और हमारे यहाँ शादी है मामी की बेटी की, मामा की बेटी की, तो मैंने मम्मी को ज़्यादा कुछ तबीयत के बारे में बोला नहीं, फिर वो परेशान हो जाती है ना। बस यही, अभी हस्बैंड अभी आएंगे, बोल के गए जल्दी आऊँगा मैं। अभी मैं यहाँ लेटी हुई थी, ब्लैंकेट भी पड़ा हुआ है, और अभी लेट जाऊँगी बस। सक्षम एप्पल खा रहा है, इतना सी जाएगी, कुछ हल्का फुल्का बनाऊँगी, क्या करूँगी पता नहीं। आंखें कैसी हो गई, ना डाउन बिल्कुल, मतलब 2 दिन बाद आज मैंने मॉर्निंग में कुछ खाया। कल रात खाने की कोशिश करी थी रोटी, बहुत एक दो बाइट खाई गई थी, आज आधी रोटी खाई, तो आधी एक रोटी पूरे दिन आप खाओ तो थोड़ी कुछ होता है, ऐसा चल रहा है मेरा तो। मतलब लिक्विड भी पीने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल, और इसकी वजह से ना जब भी वॉमिटिंग होती है गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से, तो मेरे पेट पे ना स्वेलिंग हो जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो मेरा पेट सूज रहा है ना यहाँ से, देखो यहाँ से आपको दिख रहा है, अब उतार के तो मैं उघाड़ के नहीं दिखाऊंगी, ऐसे दिखाऊंगी आपको, आपको दिख रहा होगा कितनी स्वेलिंग है मेरे पेट पे। और देखो इधर नहीं है इतना डिफरेंस, यहाँ से उठा हुआ नहीं, और इधर कितनी स्वेलिंग है ये। अभी मैं बाहर खड़ी हुई थी, मेरी नेबर भाभी कह रही थी कि भाभी ऐसा लग रहा है आपने बेल्ट लगा रखी। एक्चुअली सक्षम बाहर भाग गया था, उसको बुला रही थी, खेल रहा था, डर लगता है रोड पर गाड़ी वगैरह आ जाए, और लग रहा है ऐसे जैसे पेट पे मैंने कुछ बांधा हुआ है, इतनी स्वेलिंग हो जाती है। जो स्टिचेस है ना मेरे किडनी डोनेट वाले, उन वो मतलब वो इतना दर्द करते हैं, एक एक नाके के अंदर चुभन होने लगती है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है मेरे को। और ये मुश्किल है यार, पता है ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, जब मेरे को पता चला था मुझे स्टोन की प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे कभी स्टोन कुछ था नहीं, तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था सुन के कि एकदम से ऐसे कैसे हो गया किडनी डोनेट के बाद में। पता नहीं, मैंने डॉक्टर से ही पूछा था कि डॉक्टर साहब आपने मेरे इतने टेस्ट किया, देखो 1.5 लाख रुपए के टेस्ट होते हैं किडनी ट्रांसप्लांट से पहले डोनर के, तभी भी उसमें नहीं आया यार। और उसके पहले भी कुछ टेस्ट हुए थे, माना कि टेस्ट पुराने हो गए थे हमारे, लेकिन कुछ टेस्ट तो होते हैं, तो मुझे नहीं पता कि हॉस्पिटल की गलती है कि किसकी गलती है, क्या गलती है, लेकिन झेलना तो मुझे पड़ रहा है ना, कितना झेलना पड़ रहा है। मैं 4 महीने से इस पेन में हूँ, मैंने डॉक्टर को बोला भी था, फिर डॉक्टर ने कहा बहुत माइनर सी है ये, पता नहीं चला। मैंने कहा डॉक्टर साहब इतने सारे टेस्ट आप 1.5 लाख के करते हो, माइनर सी का क्या मतलब, प्रॉब्लम तो छोटी है, बड़ी पेशेंट तो परेशान है ना उसकी वजह से।
अब देखो एक बंदे की तो प्रॉब्लम निकाल दी मैंने फैमिली में से, हस्बैंड की, और वो मेरे अंदर आ गई, और लेडी के बीमार होने से पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। मेरे हस्बैंड सही कहते थे कि तुम सही नहीं होगी तो कुछ नहीं सही चलेगा, और ये रियलिटी है। और पता है हस्बैंड की वजह से तो ये है कि हाँ चलो उनका बड़ा था तो सबको लगता है कि बड़ी प्रॉब्लम है तो सब लोग टाइम देते हैं, अभी इसको तो सब माइनर सी प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन पेन तो इसमें इतना होता है यार, नहीं बर्दाश्त होता। जिनको स्टोन का पेन हुआ है वो लोग जानते हैं, खास कर ना इसका गॉल ब्लैडर स्टोन का ना, इसमें जो वोमिट होती हैं, और लाइट खाना खाती हूँ आप लोगों को पता ही है मेरे घर में कितना लाइट खाना बनाती हूँ मैं, और परसों सुबह मैंने पोहा ही खाया था, आप लोगों को बताया था, कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग भी नहीं खाया था, बहुत लाइट थोड़ी देर बाद था, थोड़ी सी ठीक है। सक्षम को टीवी आवाज़ तेज में देखना होता है, मैं उसको कहती हूँ आवाज़ बंद कर दे, और मैं अंदर बैठ के वीडियो बनाती हूँ तो इसको गुस्सा चढ़ती है कि मैं अकेला बैठा हूँ। तो वैसे भी कुछ ऐसा हो रहा है, कभी बादल हो रहे हैं कभी धूप हो रही है, सर भी मेरा ऐसा हो रहा है बिल्कुल बारी बारी, आँखों में ऐसे हीट सी निकल रही है, पता नहीं बेकार लग रहा है बिल्कुल, कुछ अच्छा नहीं लग रहा मेरे को ना। और हस्बैंड अपने काम पे गए, उनको ज़रूरी काम था, कुछ आ जाएंगे थोड़ी देर में, बस यही यार बेकार ज़िंदगी है, ज़िंदगी कुछ अच्छी नहीं है। मुझे लड़कियों की ज़िंदगी बहुत ख़राब होती है, बहुत अजीब होती है, मैं सच बताऊँ, मतलब ठीक है मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, बच्चे भी अच्छे हैं, प्यार करते हैं सब लोग, लेकिन कुछ चीज़ों में हो जाता है कि हमें अपने ऊपर लेनी पड़ती है, अपने आप झेलनी पड़ती है वो सारी चीज़ें। मम्मी के यहाँ पे जब हम होते हैं शादी से पहले तो कितने कैसे नाजुक से, बिल्कुल ज़रा सा कुछ हो जाए तो कैसे हो जाता है ना, और शादी के बाद में सब कुछ झेलते रहो पड़े पड़े, फिर भी सब लोग ये उम्मीद रखते हैं कि आप काम भी करोगे, है ना। और बस अभी लंच में क्या बनाऊँगी मुझे नहीं पता, अभी मैं रेस्ट ही करूँगी, मैंने सोचा चलिए मैं खाली बैठी हूँ तो आपको अपडेट दे देती हूँ। और आप लोगों ने पिछले टाइम में मेरा बहुत साथ दिया दोस्तों, सच्चा आवाज़ कम रखो, और आई होप कि आगे भी आप मेरा साथ दोगे, लाइफ में मेरे बहुत डिफ़िकल्टीज हैं, सभी की होती हैं, लेकिन मेरे कुछ ज़्यादा चल रही है यार, तो आई होप आप मुझे जैसे मेरे अच्छे ब्लॉग्स में मेरी सपोर्ट करती हो ना, तो मेरी परेशानी के टाइम में अपनी दोस्त शिप्रा को सपोर्ट करोगे, आगे शेयर करोगे दोस्तों। देखो होठ भी सूख रहे हैं, पानी वानी ठीक से नहीं पी रही, पानी पीऊँगी अभी, वो हमें आ रही है पानी पीने से भी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा मेरा, ये अच्छा लगने वाला इसमें कुछ है नहीं वैसे, और सपोर्ट करोगे आप लोग आगे और शेयर करोगे, जिस जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करना, कमेंट करना दोस्तों, कल बहुत कमेंट आए, आपके कमेंट से बहुत हिम्मत मिलती है मेरे को ना, बहुत हिम्मत मिलती है। और जल्दी मेरे लिए प्रे करो कि मैं ठीक हो जाऊँ, मैं ना बीमार और इस तरह से मैं रह नहीं सकती, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। चलिए अगले वीडियो में मिलती हूँ, ब्लॉग नहीं शूट करूँगी कुछ दिन तक, रेसिपी वेसिपी कुछ शूट नहीं होगी मेरे से अभी, क्या बनेगा घर में क्या नहीं वो दिखाती रहूँगी क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अपनी दोस्त का साथ मत छोड़ना, आगे भी साथ बनाए रखना, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय दोस्तों।